माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम बैक टू स्टडी विजार्ड सी। आज के इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 9 सर्कल का फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 9.1 व्हिच इज टू क्वेश्चंस, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को हमें कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियाई। हमें बोला है कि दो सर्कल जो है वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल होंगे, उनके रेडियाई यदि सेम है। सेम रेडियाई के मेजरमेंट से दो सर्कल आप बनाएंगे तो दोनों सेम ही रहेंगे, दे आर कॉन्ग्रुएंट। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। मैं क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि प्रूव करो आप कि यदि इन दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल के कॉर्ड्स इक्वल है तो ये कॉर्ड जो सेंटर पे एंगल बनाएंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। और अच्छे से समझते हैं इस स्टेटमेंट को, उसके लिए हम ले लेते हैं दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ये ले लिया मैंने दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल, दोनों के रेडियाई सेम है ना। अब हमें दोनों में इक्वल कॉर्ड्स चाहिए तो दो कॉर्ड ले लेते हैं। लेट सपोज इस सर्कल का सेंटर जो है वो ओ है, फर्स्ट वाले सर्कल का सेंटर ओ ले लेते हैं, सेकेंड वाले का ओ डैश ले लेते हैं। इक्वल कॉर्ड एक हम ए बी ले लेते हैं और दूसरे सर्कल के कॉर्ड को हम सी डी दे देते हैं। अब ये कॉर्ड, ये दोनों कॉर्ड जो सेंटर पे एंगल बनाएंगे बच्चों, उसके लिए हमें ओ ए और ओ डैश सी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी तो हमें सेंटर में एंगल मिलेगा, एंगल मेड बाय कॉर्ड ए बी एंड सी डी। तो देखो कैसे, लेट्स ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी डैश, ओ डैश सी सॉरी, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों हमारे इक्वल एंगल है, ये हमें प्रूव करना है। इवन में हमें क्या दिया है, दोनों कॉर्ड्स इक्वल। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, इजिली बन जाएगा आपको। सबसे पहले गिवन में आप क्या लिख लोगे, गिवन में हम लिख लेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी, और देखो रेडियाई सेम है ना, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो बोथ हैव सेम रेडियाई, तो इसका मतलब ओ ए ऑल्सो, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश सी इक्वल टू ओ डैश डी। मतलब देखो ये सारे ओ ए ओ बी ये दोनों तो इक्वल होंगे ही, सेम सर्कल के रेडियाई है, साथ ही साथ ओ डैश सी और ओ डैश डी भी तो इक्वल होंगे क्योंकि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ओके, तो सारे के सारे जो है वो इक्वल रेडियाई है। अब इन्हीं का यूज करके हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे प्रूफ, और कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्राइंगल तो सीपीसीटी से हमें ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डैश डी मिल जाए। ओके, इजी है, चलो लिखना कैसे है वो देख लो। ए लेट्स राइट, तो पहले टू प्रूफ में क्या लिख लोगे आप, टू प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ में हमें एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी प्रूफ कर, ठीक, सेंटर वाले दोनों एंगल इक्वल प्रूफ। प्रूफ में सिंपली आप दोनों ट्राइंगल को ले लोगे, एंड ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी, ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश सी ले लेते हैं, दिस ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश सी क्योंकि सारे के सारे इक्वल है ना। रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ये हम रीजन में लिखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दूसरा भी वही लिखेंगे, ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी, ये दोनों भी तो रेडियाई है, ये दोनों तो इन दोनों को इक्वल ले लेंगे और रीजन सेम रहेगा, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। और लास्ट हमें गिवन में दिया हुआ है क्या, ए बी इज इक्वल टू सी डी, सो इजी, ये हमें गिवन में दिया है क्योंकि कॉर्ड्स आर इक्वल है ना, देयरफॉर बोथ ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डैश डी बाय विच रूल, विच क्राइटेरिया, साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों साइड यूज किया हमने है ना, साइड 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 रूल, बस हेंस सीसीटी से हम क्या लिख लेंगे, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, इन रीजन में करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इजी है ना, तो बहुत इजी था। नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही करना है बच्चों, नेक्स्ट वाला भी बहुत इजी है, इसी का कन्वर्स आप ले सकते हो, कन्वर्स जैसा ही दिया हुआ है इसमें। क्या दिया है देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इफ वाला जो पोर्शन होता है वो गिवन वाला रहता है ना, यहाँ बोल रहा है प्रूव करो कि यदि कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल, जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल एंगल बना रहे हैं सेंटर पे,
देन द क्वाड्स आर इक्वल, हमें प्रूफ क्या करना है, देन वो दोनों क्वाड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो सेम वही चीज है, यहाँ आपको गिवन में एंगल्स इक्वल दे दिए हैं और क्वाड्स को इक्वल प्रूव करना है, लेकिन थिंग्स आर टोटली सेम, एक ही चीज करना है जो हमने पीछे पीछे किया। दो कॉन्वेंट सर्कल लेंगे, सेम कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे भी इनको नाम नामकरण कर देते हैं हम इनको, है ना, यहाँ से ये ओ और इसको ओ डैश दे देते हैं और ये ए बी दे देते हैं, ये ई और डी दे देते हैं। तो सेम अब हमें गिवन में क्या दिया है, हमें गिवन में दोनों एंगल इक्वल दिए हैं, हमें बोला है कि एंगल ए ओ बी विच इज मेड बाय द कॉर्ड ए बी एट द सेंटर इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, ये हमें गिवन किया है। और टू प्रूव क्या, टू प्रूव हमें करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी, भाई दोनों कॉर्ड्स जो है वो इक्वल। सेम कहानी है, यहाँ बस क्राइटेरिया चेंज हो जानी है बच्चों। यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, दोनों ट्राइंगल ले लेंगे प्रूफ में, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी, है ना, प्रूफ स्टार्ट। दोनों ट्राइंगल ले लिए हमने, हम बोलेंगे ए ओ इज इक्वल टू सी ओ डैश, आपको मालूम है रीजन क्या होगा, है ना, रेडियाई ऑफ कॉन्वेंट ट्राइंगल्स। और दूसरा भी हम ले लेंगे ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी, सी ओ डैश लिखोगे तो भी सही, ये भी सेम वही रीजन, रेडियाई ऑफ द कॉन्वेंट सर्कल्स, और साथ ही साथ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डैश डी, ये हमें गिवन मिल गया। बस यहाँ पे इतना सा चेंज है, therefore these two triangles are congruent, hence CPCT से AB is equal to CD, therefore triangle AOB congruent to triangle COD, and rule criteria लिखना must है, otherwise यहाँ पे marks कट जाते। कौन सा criteria लगाया हमने, side फिर angle फिर side, तो side angle side rule, take therefore hence AB equal to CD, दोनों क्वेश्चंस कर लेने हैं बच्चों, दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, टेक केयर, बाय बाय।